हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इवनिंग टाइम हो रहा है और सिद्धार्थ की स्टडीज़ में मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। बेसिकली प्रोजेक्ट वगैरह उसको बनाने, थोड़ा सर्च करना है, रिसर्च करना है, और फिर तीन चार हैं उसकी एक्टिविटीज़ जो आज कंप्लीट करके कल सबमिट करनी है। तो वैसे तो 80-90% वो खुद कर लेता है सारा काम, बट थोड़ी बहुत हेल्प तो करनी ही पड़ती है। और आफ्टरनून के बाद की जो थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग है वो भी मैं साथ के साथ करते जा रही हूँ। बीच बीच में उसको हेल्प की ज़रूरत लगती है तो उसके पास जाके उसको बताती भी रहती हूँ। और बस अपना डिनर वगैरह वो सब बनाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। और जो मेरे छुटुर पुटुर छोटे मोटे काम हैं उनको भी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। तो एक जगह बैठे रहने से बेटर है, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो तो निपटता रहता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बस अभी मैं किचन के काम में लगने जा रही थी। आज मैं सुपर लेजी हूँ, बिल्कुल भी कुछ करने का सुबह से मन नहीं कर रहा है। काम किए हैं, जो काम करने पड़ते हैं वो सब तो किए हैं, लेकिन होता है ना, जिस दिन आपको टाइम रहता है उस दिन आप बहुत सारे एक्स्ट्रा काम उठाते हो और करते हो। जैसे आज मुझे वीडियो नहीं पोस्ट करना था, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था कि मैं काफ़ी कुछ कर सकती थी, लेकिन वो मैंने किया नहीं। बड़ा लेजी सा फील हो रहा है। और पिछले 6-7 दिनों से मैं वॉक पे नहीं गई हूँ, 6-7 दिन हो गए। तो जब आप सुबह उठो और आप वॉक पे जाओ ना, तो आप फुल डे एनर्जी फील करते हो। जैसे कि सोचने में ऐसा लगता है कि अगर आप सुबह उठोगे, सुबह सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग उठते हो और फिर आप इतना चलते हो तो आप थका थका फील करोगे, बट इसका अपोजिट होता है। जब आप सुबह उठो और आप अच्छे से वॉक करो, एक्सरसाइज करो, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, पूरा दिन अच्छे से काम करते हो। और जब एक बार उस चीज़ में ब्रेक आ जाता है ना, तो आप बहुत लेज़ी सा फील करते हो। तो मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ, कुछ काम था मेरे से हो नहीं रहा आज। बहुत टाइम मैंने ऐसे वेस्ट किया है, बिताया है। और व्लॉग भी मुझे बनाना था, वो भी मैंने स्टार्टिंग नहीं किया, सुबह से मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई। कुछ बहुत और काम रहते हैं, एक दो वो कर लिए मैंने अपने आप को थोड़ा पुश करके। जैसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी होती है किसी किसी जैसे कोलेब्रेशन से रिलेटेड होती हैं, वो किया है मैंने। बट और बहुत कुछ कर सकती थी मैं, वो बता रही हूँ, बहुत कुछ हो सकता था बट मैं नहीं कर पाई आज। तो बड़ा लेजी सा दिन बिताने के बाद मैंने सोचा चलो आज उठ के अब कुछ किया जाए। तो बाबू साहब ने डिमांड रखा है कि इनको आज छोले भटूरे खाने हैं। कुछ दिन नहीं है, छोले भटूरे थोड़ा आप छुट्टी वाले दिन बनाओ तो अच्छे से इंजॉय कर पाते हो, वो भी आप सुबह बनाओ तो अच्छे से इंजॉय होता है दिन में या दोपहर में। अभी ये रात को छोले भटूरे, स्कूल से जब से बाहर निकला पता नहीं क्या धुन सवार थी कि छोले भटूरे खाने हैं। तो मैंने भिगो तो दिए थे चने, देखती हूँ अगर जिद करेगा तो बनाऊंगी, नहीं कल सुबह पे मैं शिफ्ट कर दूंगी। सिद्धार्थ पढ़ाई ये लुक में सोची थी, बड़ा देर पे आया रिएक्शन। अगर ज्यादा मन कर रहा है तो बना दूंगी। चलो ठीक है। तो ये अपना कर रहा है प्रोजेक्ट, इसके 4 प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं जो इसको कल लास्ट डेट है सबमिट करने की। हम लोग लास्ट डेट पे काम करते हैं, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ है। खेल आया जाके, खेल इसका सबसे पहले, पता है स्कूल से आया, खाना खाया विद इन 10 मिनट्स और भाग गया खेलने के लिए। अभी आया है खेल करके, 5 बज रहा है, खेल के आया है। अब उसके बाद अपने प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर इसको 6 बजे जाना है, ट्यूशन भी जाना है। तो ये तो रही इसकी बात। हाँ, एक चीज़ का मैं और यहाँ पे आंसर करने बैठी थी। मुझे एक कमेंट आया था डाइट वगैरह के बारे में कि डाइट का आपके क्या हुआ। डाइट अभी चल रही है, पहले तो मैंने 6 मंथ का कोर्स लिया था, अभी मैंने उसको और ज़्यादा एक्सीड कर दिया है। मतलब क्योंकि जो टारगेट था मेरा वो अचीव नहीं हो पाया, मेरी गलती की वजह से। क्योंकि बीच में ये जो दिवाली का ब्रेक हुआ ना, तो दिवाली के ब्रेक में जो मैंने गेन किया था 1.5 kg कुछ गेन कर लिया था, जैसे मैं गांव गई, मेरी एक्सरसाइज बीच में एकदम से ठप हो गई, और खाने पीने का भी गांव में मैंने कुछ भी परहेज नहीं किया, जो वहाँ बनता था वो खाती थी। तो उसमें 1.5 kg मैं गेन कर गई थी, मेरा 63 हो गया था, 70 से 63 हो गया था। और फिर वापस आने के बाद मेरा 64 point something था, 500-600। तो वो जो गेन हुआ ना, अब उसको लूज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जब आप वेट लॉस करो ना, तो एकदम आप दिमाग से क्लियर होने चाहिए कि जब तक मेरा वहाँ तक नहीं आ जाता, मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा था। तो डाइटिशियन से बात होती है तो वो कई रीजंस बताती हैं, कुछ रीज़न जो मेरी तरफ से हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और कुछ रीज़न वो भी बताती हैं।
पहला सबसे बड़ा तो रीज़न ये है कि विंटर्स में ना थोड़ा मुश्किल होता है वेट लॉस करना, विंटर में थोड़ा दिक्कत होती है वेट लॉस करने में। और जो मेरी तरफ से रीज़न है वो मैं ये बता रही हूँ कि मेरा वेट ऊपर नहीं जा रहा है उससे, मतलब 64 रह रहा है, 65 भी नहीं गया है, 64 से 65 के बीच में घूम रहा है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, 100-200 ग्राम ऊपर नीचे होता है, पर 64 से नीचे नहीं उतर रहा है अभी। तो मैंने 7 केजीज लूज़ किए थे और अब मैं बस 6 पे आ गई हूँ, तो मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 60 का है, तो वो अब मैं अब अचीव करूँगी पूरा। हाँ, जो मेरी तरफ से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, एक तो विंटर्स में ना खाने पीने का बहुत मन करता है, तो आप कितना ही अपने आप को रोकोगे, बहुत ज़्यादा तड़पाना भी मैं अपने आप को प्रेफर नहीं करती हूँ एज अ फूडी, एज अ फूड व्लॉगर, फूड से रिलेटेड रेसिपीज़ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो थोड़ा बहुत खाना हो जाता है, बहुत कंट्रोल वे में खाती हूँ बट हो जाता है। चाय थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे एक पीती थी मैं दो हो जाती हैं, और दो कप भी होती हैं थोड़ी ज़्यादा होती हैं, गर्म गर्म पीने में खाने में अच्छा लगता है। तीसरा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आपको पता है बहुत ज़्यादा विंटर तगड़ी वाली पिछले एक महीने से चल रही है, तो ऐसे में ना वर्कआउट रेगुलर नहीं हो रहा, स्किप हो रहा है बीच में बहुत, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि सुबह वो रजाई से उठ करके बाहर तक जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे रीज़न मिला के हैं जो वेट वहीं अटका हुआ है, बाकी मेरी डाइट पूरा चलती है। मैं ये कहूँगी जैसे मैं पूरा शिद्दत से कर रही थी, 100% मैं कर रही थी, वो 100% ना होकर 90% है, उससे नीचे नहीं गई हूँ कि कुछ भी खा रही हूँ कुछ भी ये कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। डेली मेरा डाइट फॉलो होता है, संडे के दिन मैं थोड़ा सा अपने आप को लूज छोड़ती हूँ, संडे के दिन बहुत ज़्यादा मैं ऐसे फोकस नहीं करती हूँ, जो भी बनता है थोड़ा बहुत खाती हूँ। तो उस दिन वड़ा पाव बना था तो मैंने वड़ा पाव ही खाया, मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया था अपने लिए। तो संडे को हल्का फुल्का मैं अपने आप को लूज छोड़ती हूँ, बाकी और भी जो चीज़ें वो मैं कर रही हूँ, एटलीस्ट मेरा जो वेट है ना वो बाउंस बैक नहीं कर रहा है, क्योंकि वेट लॉस में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जैसे ही आप थोड़ा सा हल्का सा भी आप बैक टू नॉर्मल जाते हैं, आपका वेट फटाक करके ऊपर बढ़ जाता है, तो मैं उसी जगह हूँ, ना बढ़ रहा है ना कम हुआ है अभी। तो ये एक अच्छा इसमें पॉजिटिव साइन है कि बढ़ नहीं रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं हम, अभी तक गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे अभी 60 के अराउंड जाना है, मेरा 70 वेट था और मेरा टारगेट ही 10 केजी लूज करना था, तो अभी 4.5 केजीज मेरा टारगेट है उनको लूज़ करना, और जैसे ही थोड़ी विंटर कम होती है फिर से मैं पूरी शिद्दत के साथ लग जाऊँगी करने में। तो बस यही थोड़ा सा अपडेट था, काफ़ी टाइम से मैंने बात नहीं की इस बारे में, तो सोचा थोड़ा सा बात कर लूँ, एक दो क्वेश्चंस भी आ रहे थे। और एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं जिस एप्लीकेशन को फॉलो कर रही हूँ उसका नाम है ब्रीथ वेल बीइंग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे दूँगी नीचे, आप देख लेना। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, हेल्दियन है, हेल्दी फाई मी है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो वेट लूज या डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम चलाते हैं, तो आप उनके थ्रू कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसी से करो, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऐसा। वाओ सितार, अच्छा बना रहे हो आप, मजा आ रहा है। देखो अब देखो राइट थॉट पर क्या लिख रहा है, मतलब जैसे कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़। टाइम हुआ है 7:30, आज थोड़ा जल्दी हो गया, नहीं तो 8-8:30 बजे तक जो मैंने अभी तक काम किया है वो मेरा हो जाता है। मेरा डिनर हो चुका है, डिनर मैंने क्या किया यहाँ पे मैं पिक डाल दूँगी। यूजुअली मेरा डिनर ऐसे ही होता है, या फिर एक बाउल वेजिटेबल सूप होता है या फिर कुछ ऐसा। कल का डिनर मेरा ये था, सौते वेजिटेबल्स, साथ में मैंने गार्लिक मशरूम बनाया था, और यहाँ पे मेरा आज का डिनर है जो मैंने आज खाया है। और ऐसे ही कुछ डिनर होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना होता है, वेजिटेबल रिलेटेड ही कुछ भी ले लो आप, ऐसे रहता है। तो डिनर हो गया, आज थोड़ा जल्दी ही हो गया, नहीं तो 7:30 तक होता है मेरा, 7:00 बजे डिनर हो गया है। उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया है। आप लोगों को याद होगा लगभग 3 साल पहले मैंने अपने दांतों में कैपिंग करवाई थी, दांत मेरे ख़राब हो गए, 2 इधर के और 1 इधर का, मतलब रूट कनाल हुआ था उसमें, ख़राब क्या हो गया, रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ था।
दांत वो हैं लेकिन थोड़ा सा वहाँ से खोखले हो गए थे, तो ऊपर से उन्होंने कैप लगा दिया था। तो इधर का तो एकदम ठीक हुआ, लेकिन इस साइड के दो दांत थे अगल बगल वाले, उसमें ना तब से ही मेरे को, मैं थोड़े थोड़े टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। 4-5 बार मैं डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, एक्सरे हो चुके हैं 4-5 बार। अंदर वो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन जो गम्स है ना वो शायद वहाँ के थोड़े वाइड हो गए हैं या क्या हो गया है। खाने के बाद वहाँ पे कुछ कुछ फंस जाता है और उसके बाद इतना पेन करता है, इतना पेन करता है। तो उन्होंने बोला ये दांत से रिलेटेड नहीं, आपका गम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप, पहले मैं गई तो उन्होंने मुझे वो फ्लॉस होता है वो सजेस्ट किया, लेकिन वो ना इतना ईजी नहीं होता करना, ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं उसमें, धागा जैसा होता है ना वो भी मैं इतने सारे लेकर आई थी, अलग अलग तरीके के, कुछ अलग आते हैं मैं दिखा दूंगी आपको, बट मैं नहीं उसको कंटिन्यू कर पाई, मेरे से नहीं हो रहा था, ब्लीडिंग हो जा रही थी गम्स में से, ज़्यादा तेज़ी से मैं कर दे रही थी। फिर उन्होंने मुझे वाटर फ्लॉस सजेस्ट किया, तो ये वाला मैंने ऑर्डर कर लिया है। ऑर्डर किए हुए 5-6 दिन हो गए, लेकिन डर के मारे मैं यूज़ नहीं कर रही थी ये कैसा रहेगा। अभी मैं इसको 3 डेज से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है, मुझे तो लग रहा है ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब इसको यूज़ करके मज़ा आ गया। पानी की ना बड़े प्रेशर में धार सी निकलती है, तो बहुत सारे ब्रांड के हैं, कोई भी आप ले सकते हो। तो जो वो पानी का फ्लो निकलता है ना, जब वो आपके टिथ के बीच में जाता है, तो बहुत सारी गंदगी ऐसी निकलती है, क्योंकि बेसिन में ऐसे मुंह नीचे करके आपको करना होता है, तो जो गंदगी निकलती है वो एक्चुअल में आपको दिखती है कि वो नीचे जा रही है, तो मुंह आपका एकदम क्लीन लगेगा, लगेगा नहीं कि कुछ रेसिड्यू है खाने का, लेकिन जब आप करो तो छोटे 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 इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं, तब समझ में आता है कि यार ये कितना ज़रूरी है। तो मैंने अभी ये भी कर लिया, ब्रश भी कर लिया। तो पहले ब्रश करके ये करना चाहिए या ये करके ब्रश करना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये करके फिर ब्रश करती हूँ। इसको करने से फिर पूरे वो सारे बाहर निकल जाते हैं, फिर अच्छे से ब्रश करके टंग क्लीन करके मेरा फाइनल। अब इसके बाद मैं दूध वगैरह भी कुछ नहीं पीती हूँ, खत्म, अब हो गया मेरा, पानी पी सकती हूँ बस। अपना सीरम एंड वो सब अप्लाई कर लिया है। सिद्धार्थ छोले भटूरे के लिए उसको मैंने मना लिया, तो वो कल के लिए शिफ्ट हो गया है, तो आज बच गई मैं। बोल रहा था छोले भटूरे बनाने के लिए, तो अभी बच गई मैं रात को, क्योंकि हमारे घर में बहुत लाइट बनता है, हस्बैंड भी हल्का ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर अभी बहुत हो जाता अगर छोले भटूरे बनते ना, तो बड़ा हैवी सा हो जाता, तो वो मॉर्निंग में या फिर कल आफ्टरनून में मैं बनाऊंगी। बट अभी का जो खाना था वो मैंने दिखा दिया है, थोड़ा दाल चावल है, तो वो सब मिक्स करके ये और सिद्धार्थ और उसके पापा खा लेंगे। और वो छोले भटूरे तो उसका कैंसिल हो गया, तो सिद्धार्थ ने ना कुछ ऐसे चीज़ी टाइप का खाने की इच्छा जताई, तो मैंने सोचा चलो हर चीज़ है तो कुछ बना देती हूँ। तो दिमाग में आया कि चलो पाव रखे हुए हैं। उस दिन जब मैंने वड़ा पाव बनाया था ना, तो मैंने एक तो मैदा वाले पाव मंगवाए थे और एक मैंने देखे थे ब्लिंकिट पे ही देखा था, 100% आटा पाव था, तो वो मैंने मंगवाया था। तो उसी का कुछ एक चीज़ी स्नैक्स मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने बटर लिया और उसको ना कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि बटर मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत सख्त था, कद्दूकस करके वो अच्छे सॉफ्ट हो गई है। फिर उसके अंदर मैंने एक गार्लिक जो है बड़े साइज़ का, उसको भी कद्दूकस किया, साथ में इसके अंदर चिली फ्लेक्स और जो इटालियन मिक्स हर्ब्स आती हैं वो ऐड किया, और फिर मोज़रेला चीज़ जो कि मतलब खिंचाव वाली चीज़ होती है ना, मोज़रेला और चेडर का मिक्सर होता है ये जो आता है अमूल का, यही मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ों को डाला और अच्छे से हाथों से मसल करके मैंने उनको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे ये पाव की मैं बात कर रही थी, तो ये ऐसे ना 4 के सेट में आता है, जनरली पाव 6 आते हैं लेकिन ये 4 में आता है, और ये 100% होल व्हीट उसमें लिखा हुआ था कि होल व्हीट है ये। तो इसको मैंने इस तरीके से कट किया है कि नीचे से ये कट नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर आप इसके अंदर स्टफिंग भर सकते हो, तो आप अपनी मर्जी से जितना इसको ओवरलोड करना चाहे कर सकते हैं। इवन वेजीज़ वगैरह भी अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो वो भी भर सकते हो, जैसे कॉर्न हो गया, प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया, वो भी आप डाल सकते हो। सिद्ध नहीं पसंद करता ऐसे वेजीज़, तो मैंने सिर्फ उसके लिए चीज़, बटर एंड हर्ब्स का मिश्रण इसके अंदर अच्छे से फिल कर दिया है। इसको और ज़्यादा आप चाहो ओवरलोड कर सकते हो। ऊपर से मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है थोड़ा सा सेम वही इटालियन मिक्स हर्ब्स एंड चिली फ्लेक्स, और इसको हम ओवन में थोड़ी देर के लिए बेक करने वाले हैं, 7-8 मिनट के लिए।
यहाँ पे देखिए अच्छे से जो ऊपर का चीज़ है वो मेल्ट हो गया है, बटर अच्छे से मेल्ट होके अंदर मिल गई है। और इसमें ऊपर से ज़्यादा अंदर अंदर जो हमने स्टफिंग भरी थी ना वो अंदर अंदर रहती है ना, तो जब आप इसको निकालो तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेच भी बनता है, चीज़ पुल बनता है। और इस ब्रेड को ना पुल अपार्ट गार्लिक ब्रेड कहा जाता है। तो सिद ने तो इसको बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग में मैंने बहुत ही एक अमेजिंग सी रेसिपी बनाई थी, वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये हस्बैंड के ऑफिस के लिए मैंने कुक किया था। तो यहाँ पे पतीले में मैंने 1 कप पानी ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज उबलने के लिए रखा है, साथ ही 7-8 मैंने काजू रखे हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7-8 काजू रखे हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे हैं, 2 लौंग डाली हैं और 2 मैंने इसके अंदर इलायची ऐड की हैं। और बस इनको हम अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे एकदम सॉफ्ट हो जाने तक। तो 7 to 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था, बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके इनको बॉईल करना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे थोड़े से घी के अंदर, देसी घी में काजू थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं। और काजू हटाएंगे जब ये अच्छे गुलाबी रोस्ट हो जाएंगे, तो काजू हटा करके फिर हम इसके अंदर मखाना रोस्ट करने वाले हैं। तो आज की जो सब्ज़ी है ना, इसके लिए आपके घर में हरी सब्ज़ी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मैं इसके अंदर 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मटर, काजू और मखाने, फुल मखाने। तो बेसिकली ये जो ग्रेवी हम बना रहे हैं इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप ये तीनों चीज़ें डालो, सिर्फ मटर से भी बनाया जा सकता है, सिर्फ मखाने से भी बनाया जा सकता है और सिर्फ काजू से भी बनाया जा सकता है। सिर्फ काजू से आप बनाएंगे तो वो काजू की सब्ज़ी हो जाएगी, मखाने से बनाएंगे तो फुल मखाने की सब्ज़ी हो जाएगी, मटर से बनाएंगे तो मटर की हो जाएगी और बहुत ही यमी यमी सी ये सब्ज़ी बनती है। तो आप जिससे मर्ज़ी हो बना सकते हैं या तीनों को डाल के बनाइए। मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था, जो कॉम्बिनेशन है मखाना, मटर और काजू का, जब वो आप बाइट करते हो तो इतना अमेजिंग टेस्ट आता है आपके मुँह के अंदर कि मैं क्या बताऊँ। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, बनता है ट्राई करना। काजू मखाना हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया, उसको साइड में मैंने रख दिया है। यहाँ पे ये जो हमने सारी चीज़ें उबलने रखी थी ये भी उबल गई हैं सॉफ्ट होके, इनको मैंने ठंडा भी कर लिया है, हल्का गुनगुना ही है ये, बाकी ठंडा हो चुका है। तो इसको मैं एकदम स्मूथ पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में। अभी हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करेंगे, आप इसमें बटर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, बट मैं बटर, क्रीम इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने सिंपल ऑयल लिया है, आप भी यही लेके कर सकते हैं। इसके अंदर एक बड़ी इलायची मैंने डाला है, फिर मैंने शाह जीरा डाला है। शाह जीरा से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें अलग सा ऐड होता है, नॉर्मल जीरा की बजाय अगर शाह जीरा आप यूज़ करो तो। तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, खड़े मसाले जो एक दो हमने डालने थे वो यहाँ डाल दिए और कुछ हमने उबलने में डाले ही थे। उसके बाद हमने एक प्याज लिया है और उसको जितना महीन आपसे हो पाए आप उतना महीन इसको चॉप कर लीजिए और वो इसमें ऐड कर दीजिए। अभी इसको अच्छी तरीके से कलर एकदम गहरा होने तक आपको फ्राई करना है। इन बिटवीन आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट या कुटा हुआ जिंजर गार्लिक, या फिर जैसे मैंने ग्रेट करके जिंजर गार्लिक डाला है महीन वाले ग्रेटर से, वो भी आप कर सकते हो, जैसा भी जो अवेलेबल हो आपके पास वो डाल सकते हैं, बट एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक चाहिए आपको। उसके बाद ये जो स्मूथ हमने पेस्ट पीसा है इसको और स्मूथ रखने के लिए सब्ज़ी के अंदर हम छान देंगे, ताकि ये जो रेसिड्यू बचा हुआ है मोटा मोटा रह ही जाता है, कितना भी आप पीसो ये सारा साइड हो जाए। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से छान दिया है यहाँ पे। और अभी आपको क्या करना है इसके अंदर, आप क्योंकि बहुत क्विक सी सब्ज़ी है ये, तो मैं पहले इसको भून के फिर मसाला मिलाना ऐसा सब कुछ नहीं करने वाली हूँ, इसी के अंदर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो हल्दी का पाउडर बिल्कुल ज़रा सा, फिर आपको डालना है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। तो ये 4 मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। लगे हाथ मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और मटर भी ऐड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें जब तक भुनेंगी मटर भी इसके अंदर थोड़ा भुन जाएगा और थोड़ा सा पक जाएगा। अब मैं ढक के इसको पकाती रहूँगी, ग्रेवी मटर सब कुछ साथ में पकता रहेगा और बहुत अच्छा टेस्टी स्वाद आता है। कोई ऐसा नहीं कि एक साथ ऐसे पकाने से कोई दिक्कत होती है। तो थोड़ी देर मैंने इसको पका लिया 2 मिनट के करीब, फिर मैंने इसके अंदर काजू और मखाना जो था वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि
मखाना तो चलो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन काजू है ना, उनको सब्जी के अंदर फूलने में और एक एकदम सॉफ्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, मटर की तरह। तो इसीलिए हमको उन्हें पकाना है। तो मैंने काजू और ये भी ऐड कर दिया, नमक भी डाल दिया इसके अंदर, और अच्छी तरीके से थोड़ा पानी डाल करके आप ढक करके कम से कम 5 से 6 मिनट इसको छोड़ दीजिए धीमी आँच पे, पकने दीजिए अच्छे से, और फिर देखिएगा ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आएगा। सब्जी हमारी पक गई है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है ऊपर। इसको हम थोड़ा सा गार्निश भी कर देंगे सर्व करके ऊपर से धनिया पत्ता के साथ में। ये सब्ज़ी आप रोटी, पराठा, नान, लच्छा पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक बढ़िया वाला जीरा पुलाव बना करके उसके साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए और रेसिपीज़ मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि बातचीत बहुत ज़्यादा हो गई। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर एंड करके मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।